लेटेस्ट अनबॉक्सिंग एवं रिव्यूज के लिए जुड़े हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बटन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम राज और आप देखें टेक्निकल स्टार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम एडोबी आफ्टर इफेक्ट को खोलेंगे। एडोबी आफ्टर इफेक्ट खोलने के बाद आप यहां प्रोजेक्ट देख सकते हैं और उसके बाद आपको यहां पे एक फ़ाइल इंपोर्ट करनी है। तो मैंने ये फ़ाइल को शूट करके रखा था, ये जो वीडियो है इसे हम इम्पोर्ट कर लेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप शूट कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आप ग्रीन पर्दा का यूज़ करके भी कर सकते हैं, नहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वीडियो को यहाँ पे सिंपली वहाँ से लाके ड्रैग करके इस जगह रख लें। आप देख सकते हैं प्रीव्यू स्क्रीन पे मेरी ये वीडियो आ चुकी है। आप वीडियो को यहाँ से चला के देख सकते हैं, इसकी प्रीव्यू करके देखें आप कहाँ कहाँ पे से आपको इफेक्ट चाहिए, आप सब यहाँ पर से देख सकते हैं। तो ये देखिए वीडियो यहाँ पे जब आप ये इंपोर्ट करेंगे तो वीडियो आपकी स्लो चलेगी, रियल टाइमिंग पे नहीं चलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड में आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, नॉट इज इट इज़ नॉट रियल टाइम। तो आप टेंशन ना लें, आप इसे उस पोजीशन पे ले जाएं जहाँ पे आप इफेक्ट चाहते हैं। जो फ्रीज फ्रेम होना चाहिए, जो फ्रेम आपकी फ्रीज रहेगी, वो उस जगह पोजिशन पर आप इसे एडजस्ट कर लें। चलिए सिंपली आप इसे कीजिए, इसकी डुप्लीकेट बनाइए। आपको इसके इस वीडियो की डुप्लीकेट बनाने के लिए CLT+D यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए CLT+D मैंने यूज़ किया, उसके बाद आप देख सकते हैं इस वीडियो की यहाँ पे डुप्लीकेट बन चुकी है। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट वीडियो को आप उस जगह ले जाएँ जहाँ पर आप चाहते हैं कि वो फ्रेम आपकी फ्रीज हो जाए। चलिए मैं इसे हल्का पढ़ा देता हूँ, दो तीन फ्रेम आगे बढ़ा देता हूँ इसे। आप कैसे भी इफेक्ट डाल सकते हैं, आप अपनी कोई भी वीडियोस को इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो को कन्वर्ट किया, आप चाहे तो आप पीछे बैकग्राउंड, अच्छी बैकग्राउंड रख के भी वीडियो को आप एडिट कर सकते हैं, उसके फ्रेम को फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल आपको सिखाने के लिए बताया है, इसीलिए मैंने बैकग्राउंड सिंपल यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं मैं इस जगह पे यहाँ पे फ्रीज करूँगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको यहाँ टाइमिंग में जाना पड़ेगा, टाइम के बाद फ्रीज फ्रेम। आप जैसे ही इसे फ्रीज कीजिएगा तो यहाँ तक टोटली आपको उसे काटना पड़ेगा। तो आप सिंपली इसे ड्रैग करके वहाँ पर ले जाएँ। तो अब जो आपकी फ़र्स्ट वीडियो है, इसकी फ्रेम जो है वो फ्रीज हो चुकी है। आप इसे प्रीव्यू स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये पूरी टोटली की फ्रीज हो चुकी है। और उसके बाद जो पीछे वाली वीडियो है वो चलना शुरू होगी। इसके बाद आप मूवमेंट देख सकते हैं, वो जो मूवमेंट है वो पीछे वाली वीडियो जो है, नीचे वाली वीडियो है, उसकी जो डुप्लीकेट वीडियो थी उसके वजह से है। तो चलिए अब इसमें इफ़ेक्ट लाते हैं। तो आप कहीं पे भी वहाँ उस पोजीशन से आप पीछे कहीं भी आ जाए, कुछ मिनट पहले आ जाए, कुछ सेकेंड पहले आ जाए, और यहाँ पर आप पेन टूल का यूज़ कीजिए। ये जो जनरली पेन टूल है ये कट करने के लिए यूज़ होता है। तो आप इसके जो बॉर्डर है, टोटल बॉर्डर, उसे कट कर लें, इसे टोटली कट कर लें। ध्यान रहे स्क्रीन पे ही रहना चाहिए सारा, अगर थोड़ा इधर उधर होगा तो वो दिक्कत हो जाएगी आपको। इसके पे बॉडी पे जितनी भी टोटली है, इसके आउटलाइंस को कट कर लेनी है। मैं स्किप करके दिखा देता हूँ, आप इसी तरह से पूरे कट कर लें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही आप कट कीजिएगा
तो आपको एक और आपकी जो पीछे वाली बैकग्राउंड की जो वीडियो थी वो यहाँ पे आपको नज़र आने लगेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक था, अब यहाँ मैं दो बन गया हूँ। यही है दोस्तों, बस सिंपल सा ट्रिक है, आपको इसी ट्रिक को यूज़ करना है। आपने जैसे देखा, जैसे आप उसे कट कीजिएगा, अब आपको मिलाइएगा तो आपकी जो दूसरी वीडियो है वो उस वीडियो आप अपने आप वहाँ पर आ जाएगी। इसका सिंपली मतलब ये है कि आपकी जो टोटल जो वीडियो है, आप जितनी फ्रेम को आपने कट किया है वही यहाँ पे है, बाकी जो पीछे की सारी पोर्शन है वो कट चुकी है, वो कट के हट चुकी है। और उस जगह जो आपने पीछे वाले जो वीडियो थी, जो नीचे की जो वीडियो है, सेकेंड वीडियो जो आपने डुप्लीकेट की है उसकी, वो वीडियो आ जाएगी। तो ये सिंपल फंडा है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं कोई भी वीडियो में। आप ऐसा बस बैकग्राउंड सेम होना चाहिए, आप कोई भी बैकग्राउंड में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिंपल बैकग्राउंड इसलिए रखा है ताकि आप समझ सकें उसके बाद। तो चलिए, ये आपकी वीडियो होगी, लेकिन यहाँ पे हल्का सा आपको मोशन ब्लर दिख रहा होगा, हल्का हल्का धुंधलापन टाइप में दिख रहा होगा, इसे भी हम सही करेंगे। तो पहले हम इसे प्रीव्यू पे देख लेते हैं ये कैसा लग रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसे चला के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो मेरी चल चुकी है और एक एक रियल इफेक्ट लग रही है। तो आप वीडियो को देख सकते हैं, आपकी वीडियो कुछ इस कदर है। आप, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप पीछे कोई भी बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी वीडियो को अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीख जाते हैं तो आप खुद से कोई भी वीडियो को इस तरह एडिट कर सकते हैं, फ्रेम फ्रीज एडिशन आप आराम से अपने वीडियोज़ में ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही दोनों का आपस में कॉन्टैक्ट होगा तो ये वीडियो एक बन जाएगी। सिंपली है क्या कि ऊपर वाली वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड लाइन है, रेड लाइन तक ही ये ऊपर वाली वीडियो है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। हल्का सा इसे एडजस्ट कर दें। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो दोनों आपस में मिल गई है और ये एक वीडियो बन गई। तो दोस्तों काफ़ी आसान तरीका था इसे यूज़ करने का। आप इसके हल्की फेदर्स को बढ़ा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप यहाँ मास्क पे जाएं, मास्क वन पे जाएं, उसके बाद आप यहाँ पे जो फेदर्स है इसको थोड़ा बढ़ा दें, हल्का सा बढ़ाइएगा, बस एक दो पॉइंट, ज़्यादा नहीं, एक दो पॉइंट इसे बढ़ा दें। आप देख सकते हैं ये हल्का सा मैंने इसे बढ़ा दिया है, तो ये आपकी कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। फाइव सिक्स अगर आप रखते हैं, अगर आप बारीकी सी से काटते हैं तो 5-6 अगर आप रखेंगे तो वो सही रहेगा। तो चलिए मैंने इसे, इसकी फेदर्स को यहाँ पे बना दिया। अब आपको जो आखिरी चीज़ करनी है वो कंपोजिशन में जानी है और आपको इसे ऐड टू रेंडर को करना है, उसके बाद आपकी वीडियो यहाँ पे सेव हो जाएगी, सेव होनी चालू हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे लॉसलेस पे इसे यहाँ चेंज कर देते हैं, आउटपुट मॉडल्स को यहाँ पे H.264 पे, उसके बाद इसे रेंडर कर दें। जैसे आप एक बार रेंडर कीजिएगा तब ये वीडियो सेव होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों वो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, काफ़ी इजी था इसे बनाना। आप स्टेप बाय स्टेप अगर एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप ऐसे वीडियो काफ़ी अच्छे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो यहाँ पे सेव हो चुकी है, सेव होने वाली है, लगभग भी हुई नहीं है। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि आप स्टेप बाय स्टेप इसे यूज़ करें। सब आप कोई भी वीडियो को इस तरह से एडिट कर सकते हैं फ्रेम वाइज, काफ़ी इजी है अगर आपने पूरे स्टेप को फॉलो किया होगा। तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो यहाँ पे सेव हो चुकी है और यहाँ पे आप स्टेटस में डन आ रहा है। तो
तो सिंपली अब आपको करना क्या है, मिनिमाइज कर लें इसे और फाइल में देखें। तो रिप्रेस कर लेते हैं। अब एडोबी की जो आपकी जो फाइल है उसमें आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये रही आपकी वीडियो। तो आप देख सकते हैं ऐसे इफेक्ट आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, बस आपको स्टेप को फॉलो करना होगा। तो दोस्तों काफ़ी आसान तरीका था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक जरूर करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए हर रोज़ लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।